केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। ऐसा लगता है कांग्रेस को 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। लोकसभा में पीएम मोदी का तीखा वार कांग्रेस को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बेहद तीखे वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी मुझे विचार आता है कि उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से आप मुद्दों को जोड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि आपको 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। झारखंड में कोडरमा सहित 4 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी, दो पक्षों के बीच हुई झड़प। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिले में रविवार की शाम सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई, वहीं इस हिंसा में 8 लोग घायल भी हो गए। जैसे ही पुलिस थाने को इसकी सूचना मिली, वैसे ही हिंसा प्रभावित इलाकों में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। अब ताजा जानकारी के अनुसार अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और चतरा जिले में इंटरनेट सेवाओं को रविवार देर रात बंद कर दिया। साहिबगंज में धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक हुई आयोजित। फरवरी माह के अंत तक 100% धान अधिप्राप्ति हो। वैसे क्षेत्र जहां धान की पैदावार अधिक हुई है, वहां किसानों से मिलकर उनका रजिस्ट्रेशन करना है। उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में समरनाला स्थित सभागार में धान अधिप्राप्ति संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि जिले के 21 लैंप्स में कुल 4000 किसान जुड़े हैं, जिनके द्वारा 10000 से ज्यादा क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है। साहिबगंज में ही उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सुंदरीकरण कार्य को किया निरीक्षण। समरनाले के बाहर एवं नया परिसदन के बाहर चल रहे सुंदरीकरण कार्य नाला निर्माण का उपायुक्त राम निवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त श्री यादव ने समरनाले के बाहर आगंतुकों एवं राहगीरों के बैठने, विश्राम आदि के लिए बनाए गए जगहों का मुआयना किया तथा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देवघर में लाइफ स्किल ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स से संबंधित बैठक में महिला को सशक्त व जागरूक करने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण, लवलीहुड, मेंस एंड ऑल हाइजीन से जुड़ी कार्यों के लिए जिले के 7 प्रखंडों में वेबकॉस और पॉजिटिव मक्स संस्थान के साथ तेजस्विनी क्लब, आंगनबाड़ी सहिया सेविकाओं एवं विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं से कार्य किया जाएगा। साथ ही जागरूकता प्रशिक्षण, सैनिटरी पैड वितरण एवं सैनिटरी पैड निर्माण के कार्यों से महिलाओं और बेटियों को जोड़ा जाएगा, ताकि स्वच्छ, सुरक्षित और सशक्त समाज की कल्पना को साकार किया जा सके। दुमका के चौकीदार एवं सरदारों को वर्दी मद में दी गई राशि। जरमुंडी प्रखंड चौकीदार सरदार संघ की मासिक बैठक रविवार को संघ के संरक्षक सह पूर्व सांसद अभयकांत प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। चर्चा के दौरान संघ के संरक्षक एवं पूर्व सांसद ने कहा कि चौकीदार सरदार की भूमिका ग्रामीण क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने में चौकीदार एवं सरदार की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्रामीण क्षेत्र में चौकीदार एवं सरदार के ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। पाकुड़ में पानी में डूबी फसल की क्षति का आंकलन शुरू। पाकुड़ बेमौसम बारिश से पाकुड़ प्रखंड के निचले इलाकों में लगी रबी फसल डूबने से किसानों में काफी मायूसी है। उधर फसल डूबने की सूचना कृषि विभाग को मिलते ही किसानों से संपर्क कर उसकी रिपोर्ट सीओ कार्यालय में देने की बात कही। साथ ही पंचायत स्तर पर बहाल किए गए कृषि मंत्री को बारिश के पानी के कारण किसानों की डूबी फसल व कितने रकबे में फसल लगी थी की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपने का आदेश पदाधिकारी ने दिया। गोड्डा में समरनाला स्थित सभागार में श्री प्रशांत कुमार सिंह, सीईओ जीईएम एसपीवी केंद्रीय पदाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में आकांक्षी जिले के मानकों से संबंधित समीक्षा की गई।
विकास कार्य के विभिन्न मानकों जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन सहित अन्य विभागों के वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, आधारभूत संरचना का विकास, पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की आपूर्ति सहित शिक्षण सहित विभिन्न मानकों पर चर्चा की गई। झारखंड में भोक्ता और पुरान समुदाय को मिलेगी एसटी का दर्जा, राज्यसभा में बिल पेश किया गया। झारखंड के भोक्ता और पुरान समुदाय द्वारा वर्षों से की जा रही मांग पूरी होगी। राज्यसभा में सोमवार को जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड राज्य से संबंधित संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश की। बिल में कहा गया कि अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 16 पर भोक्ता, देश्वरी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मांझिया, खैरी को खरवार के पर्याय के रूप में प्रविष्ट के तौर पर शामिल करना है। इस दृष्टि में रांची रेल डिवीजन को देश में मिला चौथा स्थान। रांची रेल डिवीजन को DRM प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में उनकी टीम के कुशल कार्य की वजह से पूरे भारतीय रेल में दिसंबर माह में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। रांची रेल डिवीजन के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अजमेर डिवीजन, दूसरे स्थान पर सिकंदराबाद, तीसरे स्थान पर धनबाद डिवीजन और रांची रेल डिवीजन ने पहली बार टॉप 5 में जगह बनाई है। इस दृष्टि एक वेबसाइट है जिस पर भारतीय रेल रेलवे के डिवीजनों में कंपटीशन व मापदंडों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग की जाती है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।